सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड सारे अनु भाई नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एनीवेज भाई लोगों, आज हो चुकी है 1st of May, टाइम हो चुका है आफ्टरनून के 1 बज चुका है, और थोड़ा अवॉइड करना, थोड़ा जंगली जानवर टाइप में लग रहा हूँ बिकॉज बाल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, कंट्रोल कर रहा हूँ अभी। राइड से जाने से पहले मेरा बस यही है कि 2-3 इंच कम हो जाए, जिससे अच्छे अच्छे रील्स और फोटो खींच जाए। अपने पास जो है भाई लोगों, बहुत सारी अनबॉक्सिंग्स पड़ी हुई हैं। यहाँ पर अपने पास बहुत सारे पैकेट्स हैं, 4-5 पैकेट्स हैं, तो सारे आप लोगों को एक एक करके दिखाऊंगा इसमें क्या क्या आया है, क्या क्या सामान है। एनीवेज स्टार्ट करते हैं अपन अपना GoPro से, जो मैंने मंगवाया है GoPro 10। ये जो भाई बैग दिख रहा है आपको, ये उसी के साथ आया है, बट जो इसके अंदर माल पानी है वो बहुत ज़्यादा एडेड है, वो मेरी तरफ से भी एडेड है। अब बात करते हैं, ये जो कवर है, बॉक्स है, ये भी GoPro 10 का ही है। और यहाँ अपन आ जाते हैं सीधा अपने GoPro 10 पर। तो ये जो है भाई GoPro 10 कैमरा, एंड भाई मजाक नहीं है, छोटा सा कैमरा बहुत महंगा आता है। साथ में मेरे पास है मेरा ओल्ड वन हीरो 7 ब्लैक, और ये अपना 360, एंड दिस वन इज़ गो टू इंस्टा 360। इसका भी मैं आपको कई वीडियोज़ बना के दे चुका हूँ इंस्टाग्राम रील वगैरह के लिए, तो आप देख लेना। साथ में निकली थी अरे ये डाटा केबल, एक एक्स्ट्रा बैटरी एंड सम पेपर्स एंड ऑल, एंड साथ में एक माउंट भी था और एक लॉक पिन भी थी। अब अपन बात करते हैं जो अदर्स पैकेट्स मैंने मंगवाए हैं इसमें, वो उनका क्या काम है। भाई GoPro ना विदाउट एसेसरीज आता है, एक तरीके से आपको सारी एसेसरीज अलग से इकट्ठी करनी पड़ती है। किसकी क्या कॉस्टिंग है वो सारा कुछ मैं आपको इस व्लॉग में बता दूंगा। सबसे पहले आ चुका है भाई अपने हाथ में एक पैकेट, इस पैकेट को ओपन करके बताता हूँ इसमें क्या है। ये पैकेट है भाई GoPro का कवर, मतलब एक छोटा सा स्मॉल केस, और यहाँ अपना GoPro पैक कर सकते हो बहुत इजीली सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से देखा जाए तो। ये मेरा GoPro 10 एंड ये है अपना कवर जो इसमें निकला है। अंदर बहुत सॉफ्ट केसिंग है, बाहर हार्ड केस है, और यहाँ अपन फिट कर देते हैं इसको। ये तो भाई आ ही नहीं रहा, ये तो बहुत छोटा रह गया इसके हिसाब से, नहीं आ गया, परफेक्ट साइज़ है। और यहाँ अपन ने भाई ये GoPro की एक पैकेट मंगवाई है, आई मीन सेफ कवर कह सकते हैं अपन इसको। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये 350 रुपये की अमेज़ोन पर मिल जाएगी, लिंक मैं सबकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक एक करके बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया कवर, इसमें से GoPro बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि और एसेसरीज जो है उसमें लगा लगा के दिखाऊंगा आपको मैं, ठीक है। सेकंड एसेसरीज जिसकी मैं ऑलरेडी अनबॉक्सिंग कर चुका था, बट स्टिल आपके सामने दोबारा से कर देता हूँ। ये है भाई ओलांजी कंपनी का, इसको कह सकते हैं अपना एक माउंट जो हेलमेट पे यही लगेगा, और इसी से मेन व्लॉगिंग वगैरह जो है वो मैं कर पाऊँगा। ये भाई ओलांजी का एक कवर है, ये भी कोई मजाक नहीं, 1400 रुपये का कवर आया भाई, ये छोटा सा। थर्ड एसेसरी, इसकी भी ओपनिंग कर लेते हैं, मुझे भी नहीं पता इसके अंदर क्या क्या है, मैं मंगवा के भूल चुका हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ। आई थिंक इसके अंदर है भाई वही MGRJK, एज यूजल जो मैंने अभी 7 पे थोड़े दिन पहले टेम्पर्ड लगाया था, तो इसमें भी अपना टेम्पर्ड ये है, वो है GoPro 10 का, और अपन ने जो लगवाया था वो GoPro 7 का लगाया था पहले। यहाँ इसके अंदर भाई टेम्पर्ड है GoPro के आगे पीछे और डिस्प्ले का, कैमरे का। और ये अपने को भाई अमेजोन से मिलेगा, इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसका कॉस्टिंग अराउंड थी करीबन 350 और 300। दिस इज़ द फोर्थ एसेसरीज में बात की जाए तो भाई ये है ओलांजी का साइड कवर स्पेशल। जब आप अंदर GoPro वाले उसमें माउंट नहीं करते हो, बट आपको एक अपना GoPro माउंट करना है विदाउट अडेप्टर, एंड साइड में आपको अपना चार्जिंग के लिए मतलब रखना है, तो उसके लिए अपन क्या जुगाड़ कर सकते हैं, वो ये ओलांजी का ये साइड कवर आता है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भाई लोगों एक मेटल में है पूरा, और इसका जो यूजेस है वो मैं आपको प्रॉपर एक करके दिखाता हूँ। हेयर्स माई GoPro, सो हेयर इज़ द GoPro, और ये साइड में आपको दिख रहा होगा बिल्कुल पैक है, ये पैक नहीं है, यहाँ से अपन ओपन कर लेते हैं साइड से। तो ये था ओरिजिनल केसिंग इसकी, ये ऊपर से मेटल में, अंदर इसमें रबर केसिंग लगी हुई है। यहाँ साइड में आ जाते हैं तो भाई इधर लगती है बैटरी GoPro की, और नीचे इसमें अडेप्टर का है, तो अपने को बैटरी सेफ रखनी है, बस एक अडेप्टर का ही जगह छोड़नी है, तो उसके लिए आप ये ओलांजी का ही ऑर्डर कर सकते हो, इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये अपने को पड़ेगा भाई 1100 रुपये के अराउंड, ये थोड़ा कॉस्टली आइटम्स है भाई इसके,
GoPro के, और यहाँ से अपन इसको लॉक कर देते हैं लाइक दिस। अब आप देखिए कि ये साइड से पूरा पैक हो चुका है, और ये जो नीचे की तरफ है बस यहाँ पर एक एडेप्टर लगाने की ही जगह रह गई है। लुक, अब अपन बात करते हैं भाई मेन चीज़ जो काफ़ी कॉस्टली पड़ती है GoPro 10 और 9 के लिए ही स्पेशल ये डिज़ाइन के। सो हेज अव सबसे ज़्यादा कॉस्टली चीज़, दिस इज़ भाई मैक्स लेंस मॉड। हाँ जी, ये है मैक्स लेंस मॉड, ये सिर्फ वर्क करता है अपना GoPro 10 एंड 9 में। भाई इसका जो यूजेस है ना, बहुत यूजेस है, मतलब लाइक एक तो आपके GoPro की जो स्टेबलाइजेशन है वो बहुत अच्छी हो जाती है। सेकेंड थिंग, आप इसमें थोड़ा जूम आउट ज़्यादा हो जाता है, मतलब आप तो इसके जो यूजेस हैं वो बहुत अच्छे हैं। मैंने इसके वीडियोस देखे तभी उसके बाद ही ऑर्डर किया है। और ये अपन बाहर निकाल लेते हैं भाई खाली डिब्बा। अरे 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 कहाँ जा रहे, अभी तो हमने यूज़ भी नहीं किया और ये उससे पहले भागने की कोशिश कर रहे हैं। एनीवेज, ये है भाई एक छोटा सा लेंस जो काफ़ी कॉस्टली है, इट्स अराउंड 5200 रुपीज़ जस्ट फॉर GoPro 9 और 10। आई रिपीट, जस्ट फॉर 9 और 10 GoPro। एनीवेज, मैं आपको इसको लगा के दिखा देता हूँ। अब आपको इसको रिमूव कैसे करना है, ये जो लेंस है इसको चारों तरफ से पकड़ना है और इसको लेफ़्ट की तरफ स्लाइड करना है, जो ये हो नहीं रहा है शायद मुझसे। हाँ, ये भाई स्लाइड हो चुका है। तो ये देखो भाई GoPro का लेंस जो है वो बिल्कुल ऐसे करके अपन इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये बाहर आ चुका है भाई इसका लेंस, इस लेंस को रख देते हैं संभाल के इस साइड में। अब ओरिजिनल वाला जो इसका लेंस अपन ने मंगवाया है वो यूज़ करते हैं। सो हाउ कैन यू फिट लाइक दैट, इसको ऐसे ट्राई में लगाना है, बिल्कुल मतलब कर्व करके लगाना है, ये ऐसे साइड से कर्व करके लगाना है, इसको घुमा देना है। बट ये लगा नहीं है अच्छे से, जस्ट ओ भाई आराम से भाई, ये टर्न करने है अपने को इसको। ये लग चुका है लेंस भाई, और इसको लगाने के बाद ना जो GoPro का साइड से जो व्यू है वो थोड़ा ऊपर आ चुका है, जो ये थोड़ा ब्रॉड हो चुका है। और अब एक बार मैं इसको ऑन करके देखता हूँ, ऑन करने के बाद फिर इसकी सेटिंग्स भी चेंज करनी पड़ती हैं। सो अब बात करते हैं, अभी और एसेसरीज़ हैं, दो एसेसरीज़ जो अभी इसकी नहीं आई हैं वो मेरे पास शायद से 14 या 15 मई तक आएंगी। वन ऑफ़ द एडेप्टर जिसकी कॉस्टिंग होगी करीबन 5500 रुपीज़, एंड वन ऑफ़ द 3 बैटरीज एंड चार्जर कॉम्बो जिसकी कॉस्टिंग है भाई 13000 रुपये, एंड एक इसका मेमोरी कार्ड भी लेना पड़ेगा, ओरिजिनल मेमोरी कार्ड करीबन ज़्यादा नहीं तो 3500-4000 रुपये का, 128 GB। तो अब मैं आपको बताता हूँ टोटल एक्सपेंसिव अपना कितना लगा एक GoPro लेने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 55000 रुपीज़ तो अपन ऐड करते हैं GoPro के, 5200 रुपीज़ लेंस के, 13000 रुपीज़ अपना चार्जर एंड बैटरी के, 1400 रुपीज़ का केस, 1100 रुपये का साइड का वो माउंटिंग, एंड 350 रुपीज़ का कवर। दिस इज़ अराउंड 76000 रुपीज़, एंड आई होप सो कि शायद कुछ कम रह रहा है। हाँ, एडेप्टर 5500 रुपीज़ का एडेप्टर, एंड साथ में 76050 प्लस 5500, इट्स अराउंड 81550 रुपीज़। साथ में एक 3000 रुपये और जोड़ लेते हैं मेमोरी कार्ड के, तो भाई एक ये आईफोन की कॉस्टिंग आ चुकी है। सो भाई लोगों, इतना मैं सब कुछ आपके लिए कर रहा हूँ यार, आप तो छोटा सा काम करना है, सिर्फ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, मेरी सारी वीडियोज़ देखनी है। अगर आपको जो अच्छी लगती है उस पर लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना, साथ ही साथ शेयर भी कर देना, और जितने भी भाई लोग हैं अपने जो भी एक प्यार दे रहे हैं और जहाँ से नहीं मिल पा रहा है तो प्लीज़ शेयर करो यार भाई लोगों, बहुत आपकी नीड है सब्सक्राइबर्स की। एनीवेज़, ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन व्लॉग जस्ट फॉर अ GoPro, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में एज़ सून एज़ पॉसिबल। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में फिर जल्दी से एज़ सून एज़ पॉसिबल। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।